आज के वीडियो में हम देखेंगे जर्मन और रशियन के बीच में एक शानदार टैंक बैटल। इस मूवी में हम देखेंगे कि रसिया का एक सोल्जर सिर्फ एक टैंक की मदद से जर्मन्स के कई टैंकों को धराशाही कर देता है। एक शानदार स्ट्रेटजी, एक शानदार टीम वर्क। इस मूवी का नाम है T-34। फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है कि एक रशियन सोल्जर अपने ट्रक में कुछ खाने पीने का सामान लेकर के एक जर्मन के कैप्चर किए हुए इलाके से क्रॉस कर रहा होता है, तो वहां पर एक जर्मन का साइन बोर्ड लगा रहता है। तो उस रशियन को वो साइन बोर्ड पसंद नहीं आता है, तो वो ट्रक से उतरता है और साइन बोर्ड को काट करके नीचे गिराता है। तभी वहां अचानक से एक जर्मन टैंक आ जाता है। फिर ये जल्दी से ट्रक में बैठता है और ट्रक को उस टैंक के तरफ ही लेकर जाता है। टैंक से फायरिंग भी होती है, पर वो बचते हुए टैंक को क्रॉस कर जाता है। फिर ये टैंक घूमता है। ये रशियन सोल्जर अपने पार्टनर को कहता है कि टैंक जैसे ही एम ले तो चार तक गिनना। तो ये बिल्कुल वैसा ही 1, 2, 3, 4, और 4 के गिनने पर एक ब्लास्ट होता है। इसी प्रकार से 2 या 3 बार होता है और वो अपने ट्रक को सेम टाइम पर बचा लेता है। ये टैंक वाला काफी कोशिश करता है, पर वो लोग बचते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। इधर रसिया का बेस कमांडिंग ऑफिसर अपने टीम से कहता है कि जर्मन्स ने सभी जगह कैप्चर कर लिया, उनका सैन्य बल बहुत ज्यादा है, अगर हमें जीतना है तो हमारे पास बस ये आखिरी मौका है। तभी यहाँ पर वही रशियन सोल्जर आता है। वो कहता है कि मैं निकोलाय हूँ और मैं एक टैंक कमांडर हूँ और मुझे यहाँ भेजा गया है आप लोगों की मदद करने के लिए। तो वो बेस कमांडर कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही टैंक बचा हुआ है और टैंक ऑपरेट करने के लिए बस ये 3 लोग और हमारे कुछ ही सैनिक बचे हुए हैं। अब तुम देखो तुम कैसे इसको हैंडल कर सकते हो। तब निकोलाय अपनी टीम से बात करता है कि हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे और उन जर्मन्स पर भारी पड़ेंगे। तब इसकी टीम उस पर हंसती है क्योंकि जर्मन के पास बहुत सारे टैंक्स हैं, फौज है, और इनके पास कुछ भी नहीं। पर निकोलाय उनको डांटते हुए तैयार होने को कहता है। फिर ये अपना टैंक निकालते हैं और वहां से चलते हैं और एक खाली पड़े गांव में एक स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, क्योंकि इसी गांव में कुछ देर बाद जर्मन्स के टैंक आने वाले हैं। तो निकोलाय पहले से तैयार हो जाता है कुछ सोल्जर्स और अपने एक टैंक को लेकर के। फिर दिखाया जाता है कि जर्मन्स अपने 8 टैंकों के साथ में और कुछ सोल्जर्स के साथ में वहां पर आते हैं। जर्मन्स के इस टुकड़ी का कमांडर होता है क्लाउस, जो एक टैंक कमांडर भी होता है। वो लोग जब गांव की तरफ बढ़ते हैं तो क्लाउस को थोड़ा सा डाउट होता है कि पक्का इस गांव में कुछ तो है, तो वो अपनी टुकड़ी को रुकने को कहता है। वैसे तो ये गांव खाली करा दिया गया है, जंग के दौरान ऐसे गांव खाली करा दिए जाते हैं। निकोलाय देखता है कि जर्मन्स की टुकड़ी रुक चुकी है, तो वो एक चाल चलता है, एक नकली टैंक होने का वहां पर नाटक करते हैं। तो क्लाउस उस ट्रैप में फंस जाता है, उसे लगता है कि वहां पर एक टैंक छुपा हुआ है। फिर वो अपनी एक टुकड़ी को उधर जाने को कहता है और निकोलाय को इसी बात का इंतजार रहता है। तभी वो फायर करता है और एक साथ 2-2 टैंक को उड़ा देता है और यहाँ पर शुरू होती है एक टैंक बैटल और पैदल सैनिकों का फायरिंग। यहाँ पर निकोलाय द्वारा एक शानदार स्ट्रेटजी बैटल दिखाया गया है, जिसमें निकोलाय छुप छुप कर एक एक करके जर्मन्स के टैंक्स को उड़ाता जाता है। निकोलाय की टीम काफी खुश है क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि वो एक साथ इतने सारे टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इधर जर्मन के लगभग सभी टैंक्स तबाह हो चुके हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके, जिसको क्लाउस ऑपरेट कर रहा है। क्लाउस को भी काफी इंटेलिजेंट दिखाया गया है। फिर अब 2 इंटेलिजेंट टैंक कमांडर के बीच में वॉर होता है। ये टैंक बैटल काफी शानदार होता है। दोनों का कुछ समय तक बैटल होता है। इसके बाद दोनों टैंक लगभग खराब हो चुके हैं। दोनों ही कमांडर टैंक से बाहर निकलते हैं। निकोलाय अपने दोस्त स्टेपन को बाहर निकालता है क्योंकि वो घायल हो चुका है। और इधर क्लाउस के हाथ में एक गन दिखाया गया है। क्लाउस निकोलाय पर गन फायर करता है। अब इसके बाद दिखाया गया है सीधे 3 साल बाद। जर्मन्स ने अभी लगभग पूरे इलाके पर कैप्चर कर लिया है। यहाँ पर एक ट्रेन आती है जिसमें से रशियन सोल्जर्स जो कि कैदी हैं, वो बाहर निकलते हैं। तभी वहाँ जर्मन का कमांडर उनसे कुछ कहता है और वहाँ एक लड़की रहती है जो इन बातों को रशियन में ट्रांसलेट करती है। वो लड़की रशियन लड़की है और इसका नाम है आन्या। वो चीफ कमांडर कहता है कि तुम लोग आज से हमारे कैदी हो, अगर किसी ने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो उसे मार दिया जाएगा। आज से तुम्हारी टोपी हमारे पैरों के नीचे रहेगी। ऐसा बोल करके सबको वो नीचे लेटने को कहता है। सभी लेट जाते हैं बस एक को छोड़ करके। ये व्यक्ति और कोई नहीं कि निकोलाय है। फिर चीफ कमांडर इसके इस बदसुलकी की वजह से इसको बहुत मारता पीटता है। निकोलाय को अलग से एक सेल में रखा जाता है जहाँ पर इसको मारा पीटा जाता है कई दिनों तक और इसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। फिर इधर क्लाउस को दिखाया जाता है जिसको प्रमोशन मिल चुका है। क्लाउस से उनके सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि हमें हमारी सेना की संख्या बढ़ानी होगी क्योंकि World War II शुरू होने वाला है, तो तुम जैसे भी करके नए सोल्जर अपॉइंट करो। तब उसको कहा जाता है कि तुम जेल जाओ और जेल जा करके उन रशियन सोल्जर को हायर करो जिनको मौत की सजा मिलने वाली है। तब क्लाउस जेल आता है और कैदियों का लिस्ट देख रहा होता है।
तभी उसे निकोलाय दिखता है। वो जेलर से कहता है कि मुझे निकोलाय चाहिए। तब जेलर हंसते हैं और कहते हैं कि ये संभव नहीं है। तब क्लाउस उनको डांटते हुए कहता है, मुझे निकोलाय चाहिए, मतलब चाहिए। फिर क्लाउस उस लड़की ट्रांसलेटर जिसका नाम आन्या है उसके साथ निकोलाय के कमरे में पहुंचते हैं। फिर क्लाउस जर्मन में बात करता है और आन्या उसे रशियन में ट्रांसलेट करके निकोलाय को बताती है। क्लाउस कहता है कि तुम्हें फांसी की सजा मिली है, तुम्हें कभी भी फांसी दे दी जाएगी। अगर तुम मेरी टीम को टैंक बैटल का स्ट्रेटेजी सिखाओ, उनको ट्रेनिंग दो, तो मैं तुम्हें फांसी की सजा से आजाद करा सकता हूँ। हो सकता है कि मैं तुम्हें आजाद भी कर दूँ। पर निकोलाय अपने देश से गद्दारी नहीं करना चाहता, इसलिए वो मना कर देता है। तब क्लाउस कहता है कि अगर तुम हाँ नहीं बोले तो मैं इस ट्रांसलेटर को मार दूंगा। फिर वो गिनना शुरू करता है, 1, 2। ट्रांसलेटर काफी डर जाती है। तब निकोलाय मजबूरी में हाँ बोल देता है। अगले सीन में दिखाया गया है कि ग्राउंड में सभी कैदियों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है। फिर कुछ कैदियों को सामने बुलाया जाता है जिनको टैंक चलाने का कुछ एक्सपीरियंस है। इसमें दिखाया जाता है कि निकोलाय का एक पुराना दोस्त जिसका नाम स्टेफन है वो भी है। तभी वहाँ निकोलाय आता है, उन लोगों में से 3 लोगों को सेलेक्ट करता है जिसमें से वो स्टेफन को भी सेलेक्ट करता है। इनमें से एक जिसका नाम डेमियान है वो निकोलाय को पसंद नहीं करता है। उसे लगता है कि निकोलाय देश से गद्दारी कर रहा है। फिर क्लाउस उनको एक टैंक दिखाता है जो रशियन टैंक ही है जिसका नाम है T-34। क्लाउस उनसे कहता है इस टैंक को तुम साफ करो क्योंकि इसके अंदर डेड बॉडीज है और इसको रिपेयर करो और ये जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो। यहाँ बहुत ज्यादा बदबू होती है क्योंकि यहाँ अंदर जो डेड बॉडीज हैं वो सड़ चुकी हैं। फिर निकोलाय और उसकी टीम टैंक के अंदर आते हैं और आकर देखते हैं कि यहाँ पर रशियन सोल्जर हैं और वो देखते हैं कि इस टैंक के अंदर बॉम्ब सेल्स भी रखे हुए हैं। और एग्जैक्टली जर्मन्स को इसके बारे में कोई आइडिया रहता नहीं क्योंकि बदबू इतनी ज्यादा है कि वो अंदर घुस करके देखे ही नहीं कि अंदर में क्या है और क्या नहीं है। तो निकोलाय इसका फायदा उठाता है, वो सभी डेड बॉडीज को कवर करते हैं, बांधते हैं, डेड बॉडीज के जैसा ही एक शेप बनाते हैं जिसमें वो बॉम्ब सेल्स को रखते हैं। फिर ये लोग अपने सोल्जर्स को पहाड़ी पे एक जगह दफना देते हैं और वहीं पर वो बॉम्ब सेल्स को भी दफना देते हैं और इन सब को पत्थरों से ढक दिया जाता है। फिर निकोलाय वहां पर खड़ा होकर के चारों तरफ को एनालाइज करता है, वहां पर मैपिंग करता है। फिर वो अपने वर्किंग बेस में आकर के जहां पर उसकी टीम टैंक को रिपेयर कर रही होती है वहां पर एक बॉक्स है जिसमें सैंड है। निकोलाय उसमें पूरा का पूरा मैपिंग करता है और स्टेफन को बताता है कि हम यहाँ से इस प्रकार से भागेंगे। तो स्टेफन उस पर डाउट करता है, कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो निकोलाय कहता है हम ये करके दिखाएंगे। अगले सीन में क्लाउस निकोलाय और उस लड़की आन्या को मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ क्लाउस निकोलाय को उस जगह के मैपिंग को समझाता है, जब ट्रेनिंग होगी तो तुम्हें हेल्प मिलेगी। पर निकोलाय के दिमाग में तो इस एरिया का मैपिंग पहले से हो चुका है, इसलिए वो क्लाउस की बात को ध्यान नहीं देता और वो सिर्फ आन्या को देखता रहता है। फिर क्लाउस जब अपने मैप को ड्रॉयर में रख रहा होता है तो आन्या और निकोलाय दोनों उसको गौर से देख रहे होते हैं क्योंकि निकोलाय को उस मैप की आवश्यकता है। फिर उसके अगले दिन जब निकोलाय अपने वर्किंग बेस में टैंक को रिपेयर कर रहा होता है तब वहां पर आन्या आती है और निकोलाय को एक साबुन देती है जिसमें उस कमरे का और ड्रॉयर का चाबी का निशान होता है और कहती है जितना जल्दी हो सके तुम इसकी चाबी बनाकर मुझे दो। अब टैंक बन चुका है तो उसकी परफॉर्मेंस दिखाने को कहता है क्लाउस। तो निकोलाय और उसकी टीम टैंक को बाहर निकालती है और उसको परफॉर्मेंस करके दिखाती है। क्या शानदार परफॉर्मेंस, देख करके सबके सब खुश हो जाते हैं। इसके बाद निकोलाय आन्या को कहता है कि तुम मैप लेकर के इस इलाके के बाहर में जो रास्ता है वहां पर मिलना। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं जो ट्रेनिंग देखना चाहते हैं और वो सभी वॉच टावर में रहते हैं। इधर निकोलाय और उसकी टीम जहाँ पर वो बॉम्ब सेल्स को छुपाए होते हैं उसको बाहर निकालते हैं और अपने टैंक के अंदर रखने लगते हैं। फिर निकोलाय वहाँ पर एक स्ट्रेटेजी अपनाता है, कहीं पर कुछ आग लगाता है जिसकी वजह से पूरा धुआं धुआं हो जाता है और निकोलाय एक टैंक को उड़ा देता है। जब क्लाउस और बाकी सभी सीनियर देखते हैं कि किसी ने एक टैंक को उड़ा दिया तो पूरी की पूरी टीम अलर्ट हो जाती है और निकोलाय को ढूंढना शुरू कर देती है, पर धुएं की वजह से समझ में नहीं आता है कि वह एग्जैक्टली है कहाँ। तभी निकोलाय झाड़ियों के बीच से होते हुए उस वॉच टावर पे ही निशाना जमाता है जहां पर सभी सीनियर्स हैं। क्लाउस ये देख लेता है और एक सीनियर को लेकर के वहां से बाहर आ जाता है लेकिन बाकी सीनियर्स खत्म हो जाते हैं। फिर निकोलाय अपने टैंक को लेकर के इन लग्जरी कार्स के ऊपर से चलता है और उन कारों को तबाह करते हुए आगे बढ़ता है। इन टैंक्स पर छोटे छोटे हथियारों से हमला किया जाता है पर टैंक पर इन हथियारों का कोई भी असर नहीं होता। क्लाउस भी उस टैंक पर गन फायर करता है। तो इस प्रकार से निकोलाय अपने टैंक को लेकर के उस एरिया से बाहर निकल जाता है। इधर आन्या भी मैप लेकर के उस जेल से बाहर आ जाती है और रोड के किनारे आके खड़ी होती है। तभी थोड़ी देर बाद वहां पर निकोलाय टैंक लेकर के आता है। तब वो लेडीज बेहोश हो जाती है क्योंकि सड़क पर टैंक चल रहा है।
तब आनिया भी खुश हो जाती है और खुश होकर के वो उस टैंक के अंदर आती है। फिर ये लोग टैंक को लेकर के आगे बढ़ते हैं और एक शहर में पहुंचते हैं। शहर के सभी लोग यहाँ वहाँ भागना शुरू करते हैं क्योंकि शहर में टैंक घूम रहा है, वो भी रशियन टैंक। फिर वो टैंक को रोक करके खाने पीने का सामान लेते हैं और कुछ कपड़े वगैरह लेते हैं। इधर क्लाउस को उसका सीनियर डांटना शुरू करता है, कहता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम ही इसे वापस लाओगे, चाहे कुछ भी करना पड़े करो। फिर सब के सब उसे पकड़ने की तैयारी करते हैं। निकोलाय को एग्जैक्टली चेकोस्लोवाकिया जाना होता है क्योंकि वहां पर जर्मन्स की फौज है, लेकिन बीच में एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसको उसे क्रॉस करना होगा। और ये बात रशियंस को भी पता है कि अगर वो एक बार चेकोस्लोवाकिया पहुंच गया तो फिर हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए जंगल के बीच में रास्ते में कुछ मशीनरीज लगा करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं। निकोलाय के टैंक पर हमला होता है तो निकोलाय अपना टैंक जंगल की तरफ ले जाते हैं और टैंक को घुमा करके जंगल के डीप अंदर ले जाते हैं। फिर क्लाउस एक प्लेन के जरिए ये देखने की कोशिश करता है कि एग्जैक्टली निकोलाय किधर है, वो कौन से रास्ते से जा रहा है। फाइनली क्लाउस को रोड में टैंक के निशान दिखते हैं और वो समझ जाता है कि एग्जैक्टली निकोलाय कहां पर हो सकता है। फिर क्लाउस अपनी टीम से आकर कहता है कि हमें वहां जाना है, तैयार हो जाओ। अब रात हो चुकी है तो टैंक को लेकर के वो एक झील किनारे रुकते हैं और सभी को नहाने का मन कर तो सभी के सभी झील में उतर करके नहाते हैं। फिर वो रात वहीं रुकने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन आधी रात को निकोलाय को कुछ आवाज आता है टैंक्स का। फिर वो समझ जाता है कि रशियंस को हमारे यहाँ होने का पता चल चुका है, तो वो सभी के सभी वहां से जाने की तैयारी करते हैं। पर अब वो आनिया को अपने साथ लेकर के नहीं जाते। निकोलाय आनिया को कहता है कि तुम पैदल जाओ और तुम हमारा इंतजार उस गांव के बाहर में करना। अब ये लोग यहां से टैंक लेकर के उस छोटे से गांव में पहुंचते हैं, पर यहां पर क्लाउस और उसकी टीम टैंक्स के साथ तैयार है। जब ये गांव में टैंक लेकर के आगे बढ़ रहे होते हैं तब क्लाउस का टैंक उस पर हमला करता है। निकोलाय जैसे तैसे बचते हुए दूसरे रास्ते पर कट जाता है। तब वहाँ एक और टैंक रहता है। निकोलाय के टैंक में काफी लिमिटेड बॉम्ब सेल्स हैं, तो उनको ध्यान से अपने एक एक बॉम्ब सेल्स को यूज करना होगा। तो यहाँ पर जो बॉम्ब सेल यूज किया जाता है वो ग्राउंड में टकरा करके टैंक के अंदर घुस जाता है और टैंक को ब्लास्ट कर देता है, जिससे क्लाउस उसके पीछे नहीं आ पाता क्योंकि रास्ता ब्लॉक हो चुका है। फिर निकोलाय थोड़ा आगे जाता है तो वहां पर दो रास्ते डाइवर्ट हुए हैं, तो निकोलाय टैंक से उतर करके देखता है वहां पर कहां कहां टैंक है। तो वो देखता है कि पीछे भी टैंक है, लेफ्ट में भी टैंक है और सामने भी टैंक है। तो ऐसी सिचुएशन में वो आगे जा ही नहीं सकता क्योंकि तीन तीन टैंक से सामना करना उसके बस की बात नहीं है, और एग्जैक्टली वो टैंक्स उसका इंतजार ही कर रहे होते हैं। तो निकोलाय अपने टीम को आकर के बताता है कि एग्जैक्टली ये सिचुएशन है, अगर कोई एक टैंक को हम डाइवर्ट कर सके तो हम यहां से उस दीवार को तोड़ करके बाहर निकल पाएंगे। तो उनमें से एक जिसका नाम डेमियान है वो कहता है कि मैं जाऊंगा, और वो एक ग्रेनेड लेता है और वहां से बाहर निकलता है और एक टैंक पर जंप करके थोड़ी सी मारपीट करता है और ग्रेनेड को टैंक के अंदर डाल देता है, जिससे एक ब्लास्ट की आवाज आती है और फिर तुरंत तुरंत ये लोग टैंक स्टार्ट करते हैं और इस दीवार को तोड़ते हुए दीवार को क्रॉस कर जाते हैं। और इधर जो दो टैंक्स रहते हैं वो चाह करके भी निशाना नहीं लगा पाते, और जैसे ये दीवार को तोड़ करके एक दीवार क्रॉस करते हैं देखते हैं कि ठीक उनके सामने में एक टैंक है, और दोनों एक दूसरे को एम में लेने के लिए अपने टैंक को रोटेट करते हैं, पर निकोलाय राइट टाइम पे उस पर फायर करता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वहां एक और टैंक आता है और क्लाउस का भी टैंक आता है। जब ये दूसरा टैंक निकोलाय के टैंक पर हमला करने वाला होता है तभी उस टैंक को उड़ा दिया जाता है। फिर दिखाया जाता है कि इस टैंक को निकोलाय ने डिस्ट्रॉय नहीं किया। फिर दूर एक टैंक है जिसमें निकोलाय का दोस्त डेमियान है जो उस टैंक को चला रहा है जिसमें वो ग्रेनेड फेंका था। इसमें दिखाया जाता है कि डेमियान भी काफी जख्मी है, उसका एक हाथ खराब हो चुका है, वो सिर्फ एक ही हाथ से यूज कर रहा है अपने टैंक को। तब क्लाउस उस टैंक पर एम करता है और उस टैंक को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक बार फिर निकोलाय और क्लाउस का टैंक आमने सामने होता है। निकोलाय और क्लाउस दोनों बाहर निकलते हैं। निकोलाय क्लाउस से 5 मिनट मांगता है। इतने में निकोलाय अपने दोस्त डेमियान को उस टैंक से बाहर निकाल कर ले आता है। वो जिंदा है, बस घायल हो चुका है। फिर अगला सीन दिखाया जाता है, एक ब्रिज के ऊपर क्लाउस निकोलाय का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां निकोलाय का टैंक आता है। क्लाउस के पास बॉम्ब सेल्स की भरमार है तो वो एक के बाद एक बॉम्ब सेल्स का इस्तेमाल करता है निकोलाय के टैंक के ऊपर। बट निकोलाय के पास सिर्फ एक ही बॉम्ब सेल्स है जिसे वो राइट टाइम में यूज करना चाहता है, इसीलिए वो अपने टैंक को कभी लेफ्ट तो कभी राइट बचाते हुए आगे बढ़ रहा होता है। निकोलाय का टैंक भी काफी डैमेज हो चुका है, उसके पहिए के चेन निकल चुके हैं, बट निकोलाय आगे बढ़ता जाता है। और जब परफेक्ट टाइम आता है तो क्लाउस के टैंक पर बॉम्ब सेल्स से फायर करते हैं। फिर वो क्लाउस के टैंक को धक्का दे करके ब्रिज के एकदम किनारे पे ले आते हैं। क्लाउस पूरा घायल हो चुका है, वो टैंक से बाहर निकलता है। टैंक किसी भी वक्त ब्रिज से नीचे गिर सकती है। निकोलाय गन लेकर के बाहर निकलता है बट वो उसे गोली नहीं मारता। क्लाउस एक आखिरी बार निकोलाय से हाथ मिलाता है
और वो टैंक नीचे गिर जाता है और क्लाउस की मौत हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि आन्या एक मैदान में निकोलाय का इंतजार कर रही होती है। तब वो देखती है कि निकोलाय और उसकी टीम आ रहे हैं पैदल पैदल। ये लोग डिम्यान को अपने हाथों में लेकर के आ रहे होते हैं। सब मिलते हैं और ये मूवी यहीं खत्म होती है। ये सभी के सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये मूवी, ये कहानी अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।